हेलो एवरीवन। सो जैसे कि मेरे व्यूवर्स की ये रिक्वेस्ट है कि बच्चों का सुसु नहीं खुल रहा है तो उसे हम लोगों को कैसे खोलना चाहिए, एंड देन नेक्स्ट इसमें उस बच्चे का सुसु को कैसे वॉश करें, यानी कि कैसे क्लीन करें, एंड कितना ओपन होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, जैसे कि होता क्या है, जब भी एक बेबी जन्म लेता है, जब एक मेल बेबी जन्म लेता है तो उसके जो सुसु होते हैं 6 महीने में 6 जो मंथ्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। लेकिन कुछ नेचुरल प्रोसेस होते हैं कि इसमें कुछ टाइम लगते हैं, जैसे कि 1 से 2 साल भी लग सकते हैं, 5 ईयर्स भी लग सकते हैं। उसके जो पेनिस के जो आगे के स्किन होते हैं, जो फोर स्किन बोलते हैं, वो कुछ समय भी ले सकते हैं। ये तो नेचुरल प्रोसेस है। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है तब उसके कॉन्शियस में आता है कि हाँ ये स्किन है, तब खुद ही उसके जो है स्किन जो है वो खुद ही टच करने लगता है एंड देन डिटेक्ट करने लगता है। तो कुछ जो है बच्चे भी ऑटोमेटिक उसको जो है डिटेक्ट करने लगते हैं, एंड टाइम टू टाइम जब वो बड़ा होता है तो वो जो स्किन होता है नॉर्मली जो है पीछे की तरफ, यानी कि पीछे एंड आगे की तरफ वो रिट्रैक्ट होने, पीछे की तरफ भी होने लगता है, आगे की तरफ भी होने लगता है। तो वो फोर स्किन होता है, वो आपके जो बच्चे हैं जो फोर स्किन होते हैं, हाइजीन मेंटेन करने के लिए उसे क्लीन किया जाता है, वहाँ पे साफ़ सफाई किया जाता है ताकि वहाँ कोई इन्फेक्शन ना हो। तो इसी तरीके से जैसे बच्चे का सुसु अगर पीछे नहीं हो पा रहा है, यानी कि खुल नहीं रहा है, तो ये एक कंडीशन हो सकता है फिमोसिस का। तो बच्चों में ये कंडीशन एक होते हैं जिसमें कि फिमोसिस भी इसके कंडीशन हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि जब एक मदर अपने चाइल्ड को केयर करती है, जब उसे वॉश करती है, जब उसे मसाज करती है, तो कुछ नॉर्मल प्रोसेस जो होते हैं उसे करने से उसके सुसु जो होते हैं ओपन हो जाते हैं। तो नॉर्मली जो होते हैं, मदर जब अपने बच्चे को मसाज करती है तब एट द टाइम उसको करना क्या है, जब उसके सुसु हैं, जो सुसु के एरिया हैं वहाँ पे कुछ 1 to 2 drops ऑफ कोकोनट ऑयल अप्लाई करना है, एंड धीरे धीरे नॉर्मली जेंटल वे में उसको पीछे की तरफ करना है, एंड देन ऐसे करके नॉर्मली उसको स्किन को थोड़ा सा आगे पीछे करें ताकि वो नॉर्मली वो जो उसके जो स्ट्रक्चर है वो धीरे धीरे मतलब खुलने लगे। बहुत ही फोर्सफुली नहीं करना होता है, बिकॉज बच्चों को इन्फेक्शन हो सकता है, वहाँ पेन हो सकता है, बहुत ही सेंसिटिव एरिया होता है, तो फोर्सफुली कभी नहीं करना है। तो जेंटल वे में उसको आगे पीछे करें विथ सम कोकोनट ऑयल, 1 to 2 drops कोकोनट ऑयल को लें एंड देन उसको आगे पीछे करें, तो मैसेज करते रहें। ये नॉर्मल एक मैसेज का प्रोसेस है। नेक्स्ट इसमें जो है कैसे वॉश करें हैं उस जेनिटल एरिया को, उस सुसु को बच्चे का कैसे वॉश करें। देखिए, कभी भी सोप्स वगैरह यूज़ नहीं करना है, नॉर्मल वाटर से उसको हमेशा क्लीन करते रहें, बिकॉज जो है हाइजीन मेंटेन करना रहता है जेनिटल एरिया को बच्चों में, क्योंकि इन्फेक्शन ना हो। तो नॉर्मल जेंटली जो है उसको नॉर्मल वाटर से ही वॉश करें, उसमें कोई सॉप्स वगैरह, हार्ड सॉप्स वगैरह यूज़ ना करें। तो इसी तरीके से उसको नॉर्मल वॉश करते रहें। नेक्स्ट इसमें कितना ओपन होना चाहिए, देखिए इतना ओपन होना चाहिए बच्चे का माउथ कि वो सुसु कर सके, यानी कि वो उसका यूरिन निकल सके। अदरवाइज अगर वो जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, तो उसका ओपनिंग इतना होना चाहिए कि वो बच्चे आराम से उसको यूरिन पास आउट हो जाए। तो जैसे कि कितना ओपन होना चाहिए, ये जो है स्किन पर डिपेंड करता है कि आपके फोर स्किन जो है उसको कवर तो नहीं कर लिए हैं। तो ये फिमोसिस कंडीशन में भी ये होता है। तो जैसे हमने फिमोसिस पर ऑलरेडी एक वीडियो बना के फिमोसिस पे ऑलरेडी वीडियोस है मेरा, आप वहाँ मेरे चैनल पे जाइए, वहाँ फिमोसिस के रिगार्डिंग ऑलरेडी एक्सप्लेन करा हुआ है। तो इसी तरीके से बच्चे को जेंटली जो है उस पर 1 to 2 drops ऑफ कोकोनट ऑयल रेगुलर बेसिस पे मसाज करते हैं, तो वो कोकोनट ऑयल ले लें, ठीक है, एंड देन उसमें आप सरसों का भी ऑयल ले सकते हैं। तो इसी तरीके से जेंटली जो है उसको कोकोनट ऑयल से उसको आगे पीछे करें मसाज के टाइम पे, एंड क्लीन करें नॉर्मल वाटर से। तो हमने जैसे कि ये बात कर रही थी कि उसके जो ओपनिंग इतना होना चाहिए कि बच्चों नॉर्मली जो है यूरिन पास कर सके, उसके जो माउथ है जो इतने ओपन तो होना ही चाहिए कि अच्छे से यूरिन पास कर सके। अब इसमें आपको डरना कहाँ है, जैसे कि बच्चे में आपको परेशानी इसमें तब होने लगेगी जबकि बच्चे को कुछ प्रॉब्लम हो रही है, जब वो बच्चे को आप वो एरिया उसको टच कर रहे हैं, उसमें आप मसाज कर रहे हैं, तो बच्चे रो रहा है या फिर उसके यूरिन के टाइम पर वो
रो रहा है, चिड़चिड़ा रहा है, या फिर उसमें रेडनेस है, कोई स्वेलिंग है, सूजन है, कोई इन्फेक्शन है, तो इमिडिएटली आपको जब वो यूरिन करता है तब रोता है, तो इमिडिएटली आपको डॉक्टर्स जो हैं आपको नियर बाई डॉक्टर्स को कंसल्ट करना चाहिए। एंड जो स्किन होता है, जो पोर स्किन होता है, ये कुछ टाइम लेते हैं, ये नेचुरल फिनोमिनन प्रोसेस है, जो कि इसमें आपको 4 साल तक जो है थोड़ा आप वेट कर सकते हैं। अदरवाइज बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो नॉर्मली उसकी यूरिन हो रहे हैं, उसमें कोई पेन नहीं है बच्चों को, कोई उसमें सूजन नहीं है, नॉर्मली बच्चा जो है पेशाब जो उसके हो रहे हैं वो सही तरीके से हो रहे हैं, तो आपको इसमें वरीड नहीं होना है। लेकिन अभी बच्चे, मान लीजिए आपके बच्चे रो रहा है यूरिन के टाइम पे, या फिर उसमें सूजन है, रेडनेस है, तब आपको डॉक्टर से हैं जो कंसल्ट करना चाहिए। ये जो स्किन होता है, आगे का स्किन जो होता है, वो आपको कुछ ईयर्स लग सकते हैं, 10 साल लग सकते हैं। जैसे ही बच्चा बड़ा होता है, धीरे धीरे वो कॉन्शियस स्टेज में आता है, तब वो खुद ही अपने जो है इंटीमेसी जब उसका होता है तो खुद ही वो रिट्रैक्ट करने लगता है, आगे पीछे करने लगता है, तो वो स्किन जो है नॉर्मली अपने आप वो जो है रिट्रैक्ट होते हैं, आगे आते हैं। तो ये जो है नेचुरल फिनोमिनन के थ्रू भी वो जो है प्रोसेस कुछ टाइम टेकिंग हो सकता है। जब ये कंडीशन जो है ख़राब होने लगते हैं, यानी कि पैथोलॉजिकल कंडीशन में तब होने लगता है, जब ये एक सर्टेन एज के बाद भी ये ठीक नहीं हो रहा है, यानी कि आपके प्यूबर्टी एज के बाद भी वो ठीक नहीं हो रहा है, तो पैथोलॉजिकल कंडीशन में वो चला जाता है, तब आपको डॉक्टर से कंटेक्ट करना चाहिए कि इसमें क्या करना है। एंड देन इसमें कुछ जो है, अगर वो प्यूबर्टी एज में चला गया तो उसको सेक्सुअल लाइफ में उसको डिस्टर्बेंस हो सकते हैं, हाइजीन मेंटेन नहीं हो पाएगा, उसको खींच के वहाँ पे उस एरिया को वॉश नहीं कर सकते हैं, तो इसी तरीके से इन्फेक्शन होने का डर रहता है। तो जैसे हमने बताएं कि ये जो है फोर स्किन जो होता है कुछ वक्त लगता है, अगर जो बच्चे में आप 4 ईयर्स तक वेट करें, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, यूरिन जब वो कर रहा है तो उसे कोई इशू नहीं हो रहा, कोई पेन नहीं हो रहा है, तो वो जो है आप 4 ईयर्स तक वेट कर सकते हैं। अदरवाइज आप जो उसमें कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है तो इमिडिएटली अपने डॉक्टर से कंसल्ट